हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज है ये है पोर्टुगीज का सीरीज, और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं करने वाले हैं फुल आउटर ज्वाइन के बारे में, ठीक है। और हम लोगों ने इस जो कुछ टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं ज्वाइंट्स के बारे में, जिसमें इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन हम लोगों ने देख लिया। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है और उसके यूज हम लोग कब करते हैं। देखिए, अगर अपने ज्वाइन में अपने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन अच्छे तरह से समझ लिया है, तो फिर इसी दोनों को कॉम्बिनेशन करके, जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को अगर मिला दिया जाए तो हो जाता है आउटर ज्वाइन, ठीक है। आउटर ज्वाइन बोलिए या फिर इसको फुल आउटर ज्वाइन आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि जैसे कि आप राइट ज्वाइन में आप राइट टेबल के सारे डेटा को और लेफ्ट के जो मैचेज जो हैं उसको आप गेट करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन में आप क्या करते हैं, लेफ्ट टेबल के सारे डेटा आते हैं और राइट के जो मैचेज हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पे आते हैं। और इनर ज्वाइन में क्या होता है कि इनर ज्वाइन में दोनों जो टेबल हैं उसके बीच में जो भी मैचेज रो आते हैं, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड आपको फेच होते हैं। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, दो या दो से जितने भी ज़्यादा टेबल होंगे, ठीक है, उस सारे टेबल के सारे रिकॉर्ड को आएंगे, मतलब कि उस टेबल में जो अनमैच रिकॉर्ड है वो भी आएगा और जो मैच रिकॉर्ड है वो भी आएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है फुल आउटर ज्वाइन, या फिर आप इसको आउटर ज्वाइन बोलिए कि लेफ्ट और राइट दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फुल आउटर ज्वाइन। अब इसका कैसे यूज होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास दो टेबल है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। ये टेबल में आपका होता है 1 2 3 4, ये एक जस्ट नॉर्मल एक मैंने यहाँ पे एक डेटा रखा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे टेबल ए में 1 2 3 4 एक रिकॉर्ड है और बी टेबल में आपका 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा दोनों टेबल में 3 और 4 जो है वो कॉमन है। टेबल ए में भी था 1 2 3 4 और टेबल बी में भी है 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 जो है वो आपका दोनों टेबल में मैच हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो इसको एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग जब इसका रिजल्ट गेट करेंगे तो गेट करने में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड हैं वो दोनों आपस में मर्ज हो गया और उसके बाद ये जो रिकॉर्ड है वो आएगा। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका टेबल ए का पूरा रिकॉर्ड आ ही रहा है, ठीक है, फिर टेबल बी का भी पूरा रिकॉर्ड आ रहा है और जो मैचेज रो है वो भी आपका आ रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अपने एसक्यूएल क्वेरी में लिखेंगे, वहाँ पे पीजी एडमिन में हम लोग वहाँ पे क्यूरी टूल के अंदर रन करके हम लोग देखेंगे दोनों टेबल को कि कैसे इसके अंदर डेटा गेट होता है। तो अगर आप इसके पहले राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि दोनों का लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है आउटर ज्वाइन। दोनों को अगर मिला दीजिए तो फिर आपका उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आउटर ज्वाइन का। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन को देखने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे दो टेबल बनाया है, जिसमें कि एक समर फ्रूट्स है और एक विंटर फ्रूट्स है। तो इस दोनों टेबल में समर का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा, जिसमें कि समर फ्रूट्स का जो आईडी है वो रहेगा और उसका नेम रहेगा, ठीक है, समर फ्रूट्स के अंदर टेबल के। और विंटर्स के अंदर रहेगा आपका विंटर्स का आईडी, विंटर फ्रूट्स का आईडी और विंटर फ्रूट्स का नेम जो है वो रहेगा, ठीक है। अब एक एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डेटा है इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं क्यूरी टूल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कमांड कर चला के आपको दोनों को दिखा रहा हूँ। तो सेलेक्ट क्यूरी होता है सेलेक्ट ऑल ऑल फ्रॉम समर फ्रूट्स, ओके। तो सबसे पहले समर फ्रूट्स का मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो समर फ्रूट्स के अंदर है मैंगो, मैंगो चूंकि हमेशा मिलता है तो मैंगो है यहाँ पे, वाटरमेलन है, एप्पल है, एप्पल भी हमेशा मिल जाता है। मैंगो एक्चुअली समर का ही फ्रूट्स है, विंटर में तो नहीं मिलता है। और गुआवा है, पाइन एप्पल है और मस्कमेलन है, ठीक है। उसी तरह से मैं इसका रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ विंटर फ्रूट्स का। तो विंटर फ्रूट्स में क्या क्या है, तो आप देखिएगा कि एप्पल इसमें भी है और मैंगो इसमें भी है, दोनों में मैंने डाला है। साथ में पाइन एप्पल भी हमेशा मिल जाता है, तो पाइन एप्पल भी है। बनाना जिसमें मिलता है विंटर फ्रूट्स में, तो बनाना है, कैरी
मेंज है, पेयर्स है, ठीक है, और गैप्स हैं। तो ये यहाँ पे आपको मिल जा रहा है इसमें 7 रिकॉर्ड। और अगेन हम जाते हैं समर फ्रूट्स में, समर फ्रूट्स में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है समर फ्रूट्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम समर फ्रूट्स। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम समर फ्रूट्स। ओके, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 जो फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे 6 हैं। अब इसके अंदर हम लोग को आउटर ज्वाइन लगाना है, ठीक है, तो कैसे इसको लगाएंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, ऑल यहाँ पे लिख देते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम समर फ्रूट्स फूल फूल आउटर ज्वाइन। ओके, और इसको हम फुल आउटर ज्वाइन करा लेते हैं विंटर फ्रूट से, तो यहाँ पे हो जाएगा विंटर अंडरस्कोर फ्रूट्स, विंटर फ्रूट्स, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा आपका समर फ्रूट्स का आईडी जो है वो हो जाएगा आपका समर फ्रूट्स का आईडी हो जाएगा आपका विंटर फ्रूट्स के आईडी से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा समर फ्रूट्स डॉट आईडी इक्वल टू विंटर फ्रूट्स डॉट विंटर आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट इसको रन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरा ही रिकॉर्ड आपको आ गया है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे आपका 6 रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है यहाँ पे वाले वाले में, समर फ्रूट्स में, यहाँ पे मैंगो वाटरमेलन पूरा जो 6 रिकॉर्ड है वो आ रहा है, और साथ में जो विंटर फ्रूट्स का जो यहाँ पे डेटा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो भी दोनों टेबल का जो रिकॉर्ड है वो आपको एक साथ यहाँ पे मिल गया। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको लेफ्ट और राइट दोनों टेबल का जो रिकॉर्ड है वो दोनों मिल जाएगा, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का। तो इस तरह से आप फुल आउटर ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, और जितना भी टेबल आप यूज करते हैं उसमें से जितने भी रिकॉर्ड हैं ओवरऑल वो सारे आ जाते हैं, लेफ्ट राइट दोनों का, और साथ में जो मैच रिकॉर्ड हो रहे हैं उसका भी आ जाएगा। और जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं, मैच जो नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जस्ट नल पास कर देगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे यहाँ पे नल पास करता है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड इसको मिलता नहीं है, और यहाँ पे टेबल तो बनना है, दूसरे टेबल का रिकॉर्ड तो आना है, तो बाकी जो टेबल है जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे इसने पास कर दिया था नल। ओके, तो आई होप कि, और पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बता दिया था कि वेयर कमांड कैसे हम लोगों को चलाना है, अगर कोई क्लॉज वगैरह ऑर्डर बाय वगैरह चलाना है तो वो हम लोग कैसे चलाना है, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। कोई भी आप ज्वाइन यूज करिए प्रोसेस सेम वही रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को ज्वाइन जो है वो काफी समझ में आया, और ये जो फुल आउटर ज्वाइन है ये भी आपको समझ में आया, और समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, और फिर मैं थोड़ा और डिटेल्स में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं काफ़ी डिटेल्स में बनाया हूँ, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो नीचे हमको कमेंट करके जरूरत है। अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।